इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। कहा जाता है कि पूत का पाव पालने में ही दिख जाते हैं और भारतीय क्रिकेट में ऐसा ही कुछ देखे जाने की चर्चा हो रही है। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे समित ने अंडर 14 राज्य स्तर के मैच में दोहरा शतक जमाया है। 14 साल के समित ने अंडर 14 इंटर जोनल टूर्नामेंट में वाइस प्रेसिडेंट एकादश के लिए खेलते हुए धारवाड़ जोन के खिलाफ 201 रन बनाए। समित की इस दोहरे शतक वाली 256 गेंदों की पारी में 22 चौके शामिल रहे। मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ और समित ने दूसरी पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 94 रन बनाए। उन्होंने 3 विकेट भी हासिल किए। ये मैच अंततः ड्रॉ पर खत्म हुआ। समित ने पहली बार अपने प्रदर्शन से सभी को आकर्षित नहीं किया है। सबसे पहले समित 2015 में तब चर्चा में आए जब बेंगलुरु में अंडर 12 क्रिकेट खेलते हुए अपने स्कूल मलाया अदिति इंटरनेशनल के लिए 3 हाफ सेंचुरी भी ठोकी थी। उनकी इन 3 पारियों वाले मैच में उनकी टीम की ही जीत हुई थी। 2016 में उन्होंने बेंगलुरु यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल के खिलाफ 125 रन की पारी खेली थी। समित ने प्रत्युष जी के साथ मिलकर 213 की साझेदारी की थी और 30 ओवर के मैच में समित की टीम ने 246 रन की जीत दर्ज की थी। कहा जा रहा है कि समित अपने पिता के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। राहुल टीम इंडिया की नंबर 3 स्थान सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्होंने 16 साल के करियर में 13,288 टेस्ट और 10,889 वनडे रन बनाए हैं। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।